माइक हम एक बार चेक कर लेते हैं, माइक टेस्टिंग यहाँ पे कर लेते हैं। आई होप बच्चे मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक बार अपना कमेंट करके मुझे एक बार बता दो, माइक टेस्टिंग कर लेते हैं हम लोग एक बार। सारे बच्चे कमेंट करके मेरे को बता दो, सेशन को तुमने पहले से ही लाइक करा हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप सभी को आवाज़ आ रही है? ऑल राइट, जो भी बच्चे मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, वो बच्चे मुझे एक बार बता देंगे कि सर वी कैन हेयर यू। चैट मैंने ऑन कर दिया है, प्रॉपरली फॉलोड। ओके, वेरी नाइस गौरव, ठीक है। जो भी बच्चे मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, यहाँ पे मुझे फटाफट से बता दो एक बार। मैं वेलकम टू डिफेंस एग्जाम मास्टर। ऑल राइट, हियर वी गो। मेरा नाम है शिवम सारस्वत और आप सभी का स्वागत है डिफेंस एग्जाम मास्टर पे। आज इस क्लास में मैं बात करूंगा सबसे इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज के बारे में, जो कि तुम्हारे को काम आने वाले हैं डिफेंस एग्जाम्स में। आप अपना लाइक करके अपना प्यार दर्शा सकते हैं, गिव मी अ चीयर, थम्स अप आप दे सकते हो, दिल बना के भेज सकते हो, जो तुम्हारा दिल करे बना के भेज सकते हो। पर आज जो मैं तुमको पढ़ाने वाला हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होगी पूरी 2023 की। 100 क्वेश्चंस मैंने कंपाइल किए हैं 2023 के करंट अफेयर्स के, जो सारे एग्जाम्स में काम आएंगे, चाहे आप सीडीएस दे रहे हो, एफकेट दे रहे हो, एनडीए दे रहे हो अगला वाला, या आप जैसे कि बच्चे मुझे आज एक लाइव सेशन में पूछ रहे थे सर हम यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी तैयारी करें, तो भाई साहब करंट अफेयर तो सब में कॉमन है, वहां पे भी आएगा। हर वन डे एग्जाम में यार करंट अफेयर्स काम आएंगे, बिकॉज मैंने मोस्टली सारे एग्जाम ही दे रखे हैं देश में, जितने हुए पास भी किए हैं। तो अपने एक्सपीरियंस मैंने बनाया है सारा पीडीएफ, और ये पीडीएफ आपको मिलेगा कहाँ पे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारी कम्युनिटी का और टेलीग्राम का, वहां पे मिलेगा बेटा, ठीक है। इसके बारे में हम आज सारी चीजों की जानकारी लेंगे। तो ये है आपके 100 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 2023, ठीक है। तो जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं वो अब अपना एकदम थोड़ा सा दम लगा के बैठ जाओ, क्योंकि ये क्लास होने वाली है लंबी और यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आज क्लास में ही याद हो जाएंगे और ये पेपर में तुमको दिखेंगे 100%। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ जज्बा बना के अपनी तैयारी को मजबूत करते हुए हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों इसमें। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे तुमको बताना चाहूंगा कि किस तरीके की चीजें हैं जो हम इसमें यहाँ पे आज कवर करने वाले हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आ रहा है हमारा आपकी स्क्रीन के सामने, पहला जो क्वेश्चन आ रहा है जैसा कि तुमको दिख रहा हो, पहला क्वेश्चन तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है हमें, एक सेकंड, कि सुल्तान हैंथम बिन तारिक इज सुल्तान एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। ये सुल्तान जो है किस कंट्री के सुल्तान और प्राइम मिनिस्टर है, क्या नाम है इनका, सुल्तान हैतम बिन तारिक। ये है हमारे किस कंट्री के हैं, ये ओमान के वो है, ही इज द हेड ऑफ ओमान, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, ये न्यूज में थे रिसेंटली, इस वजह से आपको मैंने ये क्वेश्चन कराया है, ठीक है। अब अगर मैं आगे बात करता हूं, ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं कि और किस चीज के बारे में हमको पता होना चाहिए, तो भाई और बहनों बात ऐसी है, क्वेश्चन नंबर टू की तरफ हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू क्या है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन। ये बनाया गया है श्री कंचन देवी को, ये किसको बनाया गया है, कंचन देवी। इस क्वेश्चन का आंसर है कंचन देवी। अब ये आपको पता होना क्यों जरूरी है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से जितने भी अपॉइंटमेंट के क्वेश्चन है, अपॉइंटमेंट वाले क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। अगर कोई ऐसी गवर्नमेंट एंटिटी है जो कि हाईलाइटेड रही है, न्यूज में रही है, उसके क्वेश्चन हमेशा पूछे जाएंगे। आपको याद होना चाहिए कि इनको बनाया गया है। आगे मैं अगर चलना चाहूंगा, अगर मैं आगे चलूंगा क्वेश्चन नंबर तीन की तरफ, तो विच एशियन कंट्री हैज लॉन्च्ड ई ऑक्शन ऑफ
ऑप्शन ऑफ व्हाट 20 क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स। अब मिनरल ब्लॉक्स के बारे में बात हो रही है तो कौन सी इंडस्ट्री इंक्लूडिंग लिथियम एंड ग्रेफाइट। अब लिथियम के बारे में थोड़ा सा यहां पे बताऊंगा मैं तुमको। देखो लिथियम आयन बैटरीज का नाम तुमने सुना होगा, ठीक है, लिथियम आयन बैटरीज का नाम तुमने यहां पे सुना होगा। लिथियम आयन बैटरीज कहां पे यूज होती है, यहां पे आपने लिथियम का नाम सुना तो लिथियम आयन बैटरीज ये बनाई जाती है लिथियम का यूज करके। जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं बच्चों, ईवी, ईवीज के नाम से जाना जाता है, ईवीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवीज को जो हम ईवीज बोलते हैं ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवीज होती हैं, उसमें लिथियम आयन बैटरी होती है। मेरे पास खुद एक ईवी है तो मैं आपको बता सकता हूं कि उसमें लिथियम आयन बैटरी होती है जो कि बहुत ज्यादा महंगी आती है, ठीक है। दो तरीके की बैटरी यूज होती है ईवीज के अंदर। सबसे पहले जो पुराने जमाने में जो बैटरी, अगर आपके घर में इन्वर्टर्स होंगे ना तो कभी देखना उसमें इन्वर्टर वाला पानी डालता है, तो वो होती है लेड एसिड बैटरी, ठीक है। उसमें पानी क्यों डाला जाता है वो तुम कभी दिमाग लगा के सोचना। लेड एसिड बैटरी होती है, ठीक है, एंड देन लिथियम आयन बैटरी होती है। मोबाइल्स में कौन सी बैटरी होती है, तुम्हारे मोबाइल में भी बैटरी होती है, लिथियम पॉलीमर होती है वो, ठीक है, लिपो होती है, ओके। तो ये बैटरीज के कुछ टाइप्स हैं। अब बैटरी क्या करती है, केमिकल एनर्जी को किस अच्छा बैटरी के बारे में यहां पे बात हो रही है। बैटरी क्या कर रही है भाई, बैटरी कर रही है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट, ठीक है। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा बता दिया तुमको, इस क्वेश्चन को याद रखना कि बैटरी क्या काम करती है, किसी भी तरीके की बैटरी होगी, ये क्वेश्चन आता है पेपर में, बैटरी क्या करती है, केमिकल एनर्जी को, केमिस्ट्री पढ़ी होगी तुमने, किसमें करती है कन्वर्ट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बैटरी डू दिस, बैटरी करती है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट। अब यहां पे क्या हुआ है, ई ऑप्शन हुआ है 20 क्रिटिकल इंक्लूडिंग लिथियम एंड ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट जो है इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ग्रेफाइट इज ऑल्सो अ व्हाट, ठीक है, ग्रेफाइट को एज अ लुब्रिकेंट भी यूज किया जाता हैवी मशीनरी में, ठीक है, ये याद रखना, ग्रेफाइट इज ऑल्सो बींग यूज एज ए लुब्रिकेंट इन हैवी मशीनरीज, ये भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये किस, इसका आंसर है इंडिया, है ना, ई ऑप्शन इंडिया ने किया है, क्वेश्चन का मेन आंसर है इंडिया, और उसके सराउंडिंग में मैंने दो तीन चीजें बताई हैं जो वो याद रखना क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आगे चलता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा। एशियन इंडिया ग्रास रूट्स इनोवेशन फोरम वॉज लॉन्च इन विच कंट्री, मलेशिया में लॉन्च की गई है ये। मैंने आंसर नीचे से डाले हुए हैं तुम लोगों की मदद करने के लिए, मैंने यहाँ पे आंसर डाले हुए हैं, ठीक है। आसियान का होता है एसोसिएशन, अब एशियान जो है एसोसिएशन ऑफ, एशियान का फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये आसियान का है क्या फुल फॉर्म, याद होना चाहिए। अब इसका हेडक्वार्टर कहां है, जो भी बच्चे मुझे लाइव देख रहे हैं वो आसियान का हेडक्वार्टर मुझे कमेंट करके बताओ कि आसियान का हेडक्वार्टर क्या है, नहीं पता तो याद कर लेना, मैं नहीं बताऊंगा, कमेंट करना, ठीक है। तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या था, क्वेश्चन नंबर चार का अगर मैं बताऊं, क्वेश्चन नंबर चार का आंसर जो था आपका वो था मलेशिया, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर पांच की तरफ। क्वेश्चन नंबर पांच जो है बेटा, विच ऑर्गेनाइजेशन एंड द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर अराउंड 3,000 crores, 3,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है फॉर अपग्रेड ऑफ रैपिड माउंट गन एंड एसोसिएटेड इक्विपमेंट। रैपिड माउंट गन एंड एसोसिएटेड इक्विपमेंट का क्या हुआ है यहां पे अपग्रेड, ये BHEL भारत हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड के साथ ये कहानी चली है। किसके साथ हुई है कहानी, BHEL, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन का आंसर यहां पे पता होना चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर छह पे। क्वेश्चन नंबर छह क्या कह रहा है, Who has been appointed as the independent director of FMCG major Hindustan Unilever Limited, HUL। Hindustan Unilever जो है एक बहुत बड़ी एक ऐसी कंपनी है जिसमें मल्टीपल कैटेगरीज में जैसे FMCG के अंदर आती है, ठीक है ना, फूड कॉस्मेटिक्स, है ना, ये FMCG कंपनी है, फूड कॉस्मेटिक ग्रॉसरी ये सारी कैटेगरीज में फॉल करती है हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो इसमें बनाया गया है तरुण बजाज को, कौन किसको अपॉइंट करा गया बेटा, तरुण बजाज, है ना, तो ये तरुण बजाज को यहां पे अपॉइंट करा गया है इसमें। अब मैं आता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगर तो अगले क्वेश्चन की तरफ अगर मैं आऊं तो ये क्वेश्चन तुम लोग को लिखने की जरूरत नहीं है,
ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवन में बताऊंगा, सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर सेवन बताऊंगा। ऑन विच डेट द इंटरनेशनल डे फॉर एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी ऑब्जर्व। अब यहाँ पे डेट्स एंड डेट किस डे पे क्या पड़ता है, इस पे क्वेश्चन हमेशा बनता है। डेज एंड थीम्स पे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। किस तारीख को कौन सा दिन है, किस तारीख को कौन सा दिन है, इस पे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। अब कौन सा दिन के बारे में बात करा जा रहा है, ये होता है दिसंबर 2, ठीक है, इंटरनेशनल डे फॉर एबोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, 2 दिसंबर को ये आपका मनाया जाता है। ठीक है, जो भी बच्चे मुझे देख रहे हैं वो बच्चे मुझे कमेंट करके बताना आंसर, ठीक है, जो भी मैं पूछ रहा हूं तुमसे। अगला क्वेश्चन आता है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैव लॉन्च्ड अ नेशनल, क्या नेशनल बेस्ट टूरिज्म विलेज कंपटीशन 2024 एंड द नेशनल बेस्ट रूरल होम स्टे कंपटीशन 2024, ताकि किसको प्रमोट किया जा सके, रूरल टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके। अब ये काम किया है यूनियन टूरिज्म मिनिस्ट्री ने, किस मिनिस्ट्री का काम होगा, टूरिज्म को प्रमोट तो टूरिज्म मिनिस्ट्री करती है, ठीक है, तो ये आपका टूरिज्म मिनिस्ट्री ने किया है ये कार्यक्रम। अब हम अगर आगे चलते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, तो व्हाट परसेंटेज ऑफ द एफडीआई प्रपोजल फ्रॉम द नेबरिंग कंट्रीज हैज बीन अप्रूव्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। एफडीआई प्रपोजल जो है उसका कितना परसेंटेज जो है नेबरिंग कंट्रीज से गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, नेबरिंग कंट्रीज से हम 50% तक एफडीआई ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे अगर मैं बात करूं एफडीआई की, तो दैट इज होता है एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या होता है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कोई बड़ा बिजनेस है, ठीक है, बड़ा बिजनेस वो नहीं जो आजकल कंट्रोवर्सी चल रही है उसकी, ठीक है, कोई भी बड़ी कंपनी है, बड़ा बिजनेस है, बड़ा ब्रांड है, जिसको पैसा मिलता है बाहर से, इन्वेस्टमेंट आता है बाहर के देशों से, वो होता है फॉरेन का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ताकि वो अपना और बड़ा कर सकें, काम एक और बढ़ा सकें, रोजगार प्रदान कर सकें लोगों, तो उसके लिए एफडीआई की लिमिट जो है वो 50% तक बगल वाले कंट्रीज से हमने कर दी है, ठीक है, इसका आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है बेटा यहाँ पे इसी में, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री री इलेक्टेड टू इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल फॉर 2024-25 बायएनियम। अभी जब मैं लास्ट के सेशन में जब मैंने बताया था, लास्ट का जो दिसंबर 2023 का मैं करंट अफेयर्स पढ़ा रहा था, तो मैंने ये वाला क्वेश्चन वहां पे भी कराया था कि इंडिया को री इलेक्ट कर लिया गया है, ठीक है, इसके लिए, ठीक है ना, इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन की काउंसिल में 2024-25 बायएनियम में। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, विच इंडियन सिटी होस्टेड द 11th बांग्लादेश बुक फेयर 2023। बांग्लादेश के सबसे पास में है वेस्ट बंगाल, तो कोलकाता में ये हुआ है, ठीक है, ये कहाँ पे हुआ है आपका, कोलकाता के अंदर, आंसर यहाँ पे भी मैंने मेंशन करा हुआ है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर आपका क्या 12, क्वेश्चन नंबर 12 आपका कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द 35th जिमनी जॉर्ज फाउंडेशन अवार्ड 2023 फॉर व्हाट, फॉर बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ केरला। ये मिला है एम श्री शंकर को, किसको मिला है ये अवार्ड, एम श्री शंकर, किस गेम से एसोसिएटेड है आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, इन नवंबर 2023 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ विच कोऑपरेटिव बैंक। ये एक शंकर राव पुजारी नूतन नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड थी, जिसका आरबीआई ने क्या कर दिया, लाइसेंस कैंसिल, उन्होंने वायलेट कर दिया रूल्स को, ठीक है, इसका लाइसेंस आरबीआई ने क्या। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14, विच इंडियन सिटी होस्टेड द इंडियन इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023। इंडियन इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 ये हुई थी नई दिल्ली, यानी भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर, मेजरली ये चीजें नई दिल्ली में ही होती हैं पहले शुरुआती चीजें, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 13, हमने कर लिया 14, हमने 13 कर लिया, हमने क्वेश्चन नंबर 14 भी हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 15 आता है हमारा, विच फ्लैग, एक सेकेंड थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है, विच फ्लैग कैरियर, ठीक है, Which flag carrier of India has shut down its two data centers and moved its computational workload to the cloud? Air India ने क्या किया है, data centers को बंद कर दिया, पूरा data cloud पे डाल दिया। आपको पता है cloud technology आजकल चल रही है,
मैनुअली आप हार्ड ड्राइव में लेके थोड़ी ना घूमोगे हर जगह। आई ऑल्सो यूज द क्लाउड स्टोरेज, मेरे पास जो भी डिवाइसेज हैं एप्पल के मैं एप्पल क्लाउड यूज करता हूँ, या गूगल क्लाउड हम लोग गूगल स्टोरेज हम लोग यूज कर लेते हैं ताकि रेडिली अवेलेबल हो जाए डेटा, और अगर हमारा डिवाइस चोरी हो जाता है या टूट जाता है या कुछ भी हो जाता है तो हमारे पास डेटा क्लाउड पे सेफ है। ठीक है, तो एयर इंडिया जो कि हमारा नेशनल कैरियर भी है, और एयर इंडिया को अभी टाटा ग्रुप ने वापस खरीद लिया था आपसे, आपको पता होगा गवर्नमेंट से। ठीक है, तो ये बाकी जो कंपनीज है वो एविएशन कंपनीज थी। ठीक है, तो यहां पे अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड थोड़ा सा हम वापस जाएंगे इस पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे बेटा। तो रास महोत्सव फॉर रासलीला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, ये होता है आसाम के अंदर। इसको मैंने दिसंबर वाले करंट अफेयर्स में भी कवर किया था, पेपर में आने वाला सवाल है, आसाम में होता है। अब ये कहां होता है, एक वहां पे द्वीप है माजुली जो कि रिवर आइलैंड है, माजुली करके एक द्वीप है जो कि रिवर आइलैंड है, ब्रह्मपुत्र से रिलेटेड है। माजुली इज एन आइलैंड, कौन सा आइलैंड, रिवर आइलैंड। नदी कौन सी जुड़ी हुई है, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, कौन सी नदी इससे जुड़ी है, ब्रह्मपुत्र रिवर। याद रखना है क्वेश्चन, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कोई भी बच्चा गलती से ना इसको भूलेगा नहीं भाई। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं इस चीज के बारे में कि और क्या है, ठीक है, तो ये मैं लाऊंगा थोड़ा सा इधर, और मैं यहां से अभी आप लोगों को अगला अगला हम करते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 17 आ गया हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 17 सेज, क्वेश्चन नंबर 17 सेज कि, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नागालैंड ऑब्जर्व स्टेटहुड डे। इस नागालैंड का स्टेटहुड डे होता है बेटा, नागालैंड का स्टेटहुड डे कब मनाया जाता है, नागालैंड का स्टेटहुड डे मनाया जाता है तुम्हारा एक, किसको मनाया जाता है नागालैंड का स्टेटहुड डे, 1 दिसंबर को। ठीक है, नागालैंड स्टेटहुड डे मनाया जाता है आपका 1 दिसंबर। ठीक है, अब आता है तुम्हारा क्या अगला क्वेश्चन, क्या आता है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर, ठीक है अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, इसको हम करते हैं थोड़ा सा जूम। ठीक है, हाँ जी, तो हम लोग कर रहे थे ये वाला क्वेश्चन अभी सॉल्व, नागालैंड का स्टेटहुड डे हमने सॉल्व किया, नागालैंड का स्टेटहुड डे हमारा कब आया, 1 दिसंबर को। ठीक है, ये हमने आंसर इसका सॉल्व कर लिया कि इसका 1 दिसंबर आता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा हम सॉल्व करेंगे कि इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेटरी विद द पैलेस्टाइनियन पीपल इज बीइंग ऑब्जर्व्ड, सॉलिडेटरी किसके साथ, पैलेस्टाइनियन पीपल के साथ, कब मनाया जाता है, इसका जो है आंसर वो है तुम्हारा 29 नवंबर। क्या आंसर है बेटा इसका, 29 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 29th of November को। ओके, तो इस तरीके से है आपका इसका आंसर। अब आता है अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 हमारा कहता है, एक सेकेंड थोड़ा सा ये जूम ज्यादा हो गया कुछ, इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं स्क्रीन के हिसाब से। अब ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 हमारा, एक सेकेंड क्वेश्चन नंबर 22 हमारा कहता है कि विच इंडियन सिटी हैज बीन अवार्डेड द यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क इन द लिटरेचर कैटेगरी, लिटरेचर कैटेगरी में क्रिएटिव सिटी का अवार्ड किसको मिला है, ये अवार्ड मिला है कोझीकोड को। ठीक है, किसको मिला है ये अवार्ड, ये अवार्ड आपका मिला है किसको, कोझीकोड। ठीक है, ये अवार्ड किसको मिला, मिल गया बेटा कोझीकोड। ठीक है,
दिस अवार्ड इज बीइंग गिवन टू कोझिकोड। ठीक है, नाउ अब हम आते हैं आगे की चीज पे। क्वेश्चन नंबर 23, विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च द नेशनल आउटरीच प्रोग्राम ऑन आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। अब ये जो है ना, मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट का है, ये स्मृति ईरानी। इसका आंसर क्या है? स्मृति ईरानी। ठीक है, ये किसने किया है? स्मृति ईरानी का है ये नंबर 3। ठीक है, दिस इज नंबर 3 आपका। आंसर क्या हो गया इसका? स्मृति ईरानी। कौन सी मिनिस्ट्री की ये मिनिस्टर है आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपको यहां पे मुझे बताना है, कमेंट्स में भी बताते रहना और ये क्वेश्चंस को याद करते रहना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 आपका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 24 पे चलेंगे कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ HDFC बैंक। HDFC बैंक जो है बहुत बड़ा एक बैंक है, तो ये इसमें बनाया गया है हर्ष कुमार बनवाला का पुराना भी एक इतिहास रहा है, वो क्या है उसके बारे में मैं चाहूंगा आप लोग पढ़ो। उस पर वीडियोस हमारे करंट अफेयर के सेक्शन में, मैं एक रीसेंट अफेयर्स करके एक सीरीज आ रही है पूरी, जहां पे मैं हफ्ते की पूरी ज्वलंत मुद्दे जितने भी हैं उनके बारे में आपको बताने वाला हूं। तो वो बच्चे आपको वो वहां से आपको कर लेना है कवर। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका हर्ष कुमार बनवाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, मुझे कमेंट में किसी बच्चे ने बोला कि सर 17 एंड 18 आपके मिस हो गए। अच्छा जी, तो हम कोई बात नहीं, हम 17 18 पे एक बार वापस जाके देखेंगे कि हमसे क्या मिस हुआ है। ठीक है, यस 17 18 हम वापस से कर लेते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसी यूज्ड इन अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की बेटा करेंसी का नाम है क्या? पैसो। अर्जेंटीना की करेंसी कौन सी है? अर्जेंटीना की करेंसी जो है ना वो है पैसो। अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है? ब्यूनस आयर्स। ठीक है, याद रखना वहां पे बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है, हर साल 100% के हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, तो आपको ये न्यूज में है, बहुत ज्यादा पढ़ लेना इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है 17 के बाद 18। तो 18 यहां पे बता देता हूं कि अंडर अटल इनोवेशन मिशन। अब अटल इनोवेशन मिशन क्या है? मेरी एक पूरी वीडियो है भाई इस पे कि तुम्हारा कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज आपकी इंपॉर्टेंट है, अटल इनोवेशन मिशन क्या है, इसके बारे में पूरी की पूरी वीडियो सीरीज है गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज की, मेरे चैनल पे वीडियो है, आप जाना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको। ठीक है, मैक्सिमम ग्रांट प्रोवाइडेड टू एस्टेब्लिश AIC 10 करोड़ रुपए की ग्रांट है भाई। ठीक है बच्चों, 10 करोड़ रुपए की ये ग्रांट यहां पे दी जाती है। ओके, अगला सवाल आता है तुम्हारा। नाउ अगले सवाल की तरफ मैं थोड़ा सा भाई और बहनों बढ़ना चाहूंगा, यहां तक आई होप तुमने याद कर लिए होंगे क्वेश्चन। ठीक है, नागालैंड ऑब्जर्व स्टेटहुड डे मैंने बता दिया 1 दिसंबर को होता है, ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं ऑलरेडी। यहां से थोड़ा सा आगे, व्हाट इज द ओके, नागालैंड को स्टेटहुड डे कब मिला? नागालैंड को स्टेटहुड डे आपका कब मिला? 1 दिसंबर। कब मिला? 1 दिसंबर, याद रखना है। आई होप ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन मेरे हिसाब से। ठीक है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड हेडलाइन इन्फ्लेशन इन फाइनेंशियल ईयर 2025 में जो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन का जो रेट है अकॉर्डिंग टू मॉर्गन स्टैनली वो हो गया 5.9% बच्चों। कितना परसेंट हो गया वो आपका? 5.9%। ठीक है, कितना परसेंट हो गया? 5.9%। ठीक है, 5.9% यहां पे मैंने मेंशन करा हुआ, ये इसका आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मैं थोड़ा सा बढ़ता हूं। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर मैं बढ़ूं, क्वेश्चन नंबर 21, इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी पैलेस्टाइन पीपल मैंने ऑलरेडी करा दिया, 29 तारीख को आपका मनाया जाएगा। कितनी तारीख को मनाया जाएगा बेटा ये? 29 तारीख को, 29 नवंबर को। दोबारा से हुआ है क्वेश्चन रिपीट, कोई बात नहीं। इंडियन सिटी एडेड टू यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। विच इंडियन सिटी हैज बीन एडेड टू द यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस। ये यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पे है? आई होप मेजोरिटी ऑफ द पीपल माइट बी नोइंग कि
यूनेस्को का हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस में है, और पेरिस कहाँ है, फ्रांस में है। ठीक है, ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की कैपिटल, आपको हेडक्वार्टर्स आपको पता होना चाहिए। इन पे सवाल भाई साहब बनता है, तो जो भी बच्चा ये गोली दे रहा है कि मैं तो पढ़ना नहीं चाहता, तो भाई साहब पेपर में आपकी जरूरत नहीं है, आप कुछ और करो जीवन में, पढ़ाई तो आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है, लिटरेचर कैटेगरी में ये किसको मिला है, एडिट किया गया है कोजीकोड़े। ठीक है, किसको ऐड किया गया है, कोजीकोड, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे उन्होंने नीचे भी मेंशन किया, अब यहाँ पे नीचे ना मेरा नंबर भी दे रखा है, जिस बच्चे को दुख तकलीफ शेयर करनी है, प्रॉब्लम है, तकलीफ है, आ जाओ इस नंबर पे व्हाट्सएप मार देना मुझे, एक बार हेल्प कर दूंगा जो भी होगी। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर, बेटा कौन सा क्वेश्चन नंबर आपका, 23। क्वेश्चन नंबर 23 होता है, विच यूनियन मिनिस्टर इनो हैज लॉन्च द नेशनल आउटरीच प्रोग्राम ऑन आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। अभी मैंने इसका क्वेश्चन का आंसर थोड़ी देर पहले वापस से किया था तुम लोगों को, कि स्मृति ईरानी है, इसका आंसर क्या है, स्मृति ईरानी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये इसके अंदर पे आता है क्वेश्चन। ठीक है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ एचडीएफसी बैंक, ये भी मैंने करवा दिया, हर्ष कुमार बनवाला इसका आंसर है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे, व्हाट वाज द नेम ऑफ एयर इंडिया एआई पावर्ड असिस्टेंट। ये हमने, अच्छा अब ये क्वेश्चन हमने नहीं करा, अब इसका आंसर सुनो, एयर इंडिया का एक एआई पावर्ड चैट असिस्टेंट आया, एयर इंडिया का पहले सिंबल हुआ करता था, उसको होता महाराजा, एक बंदा होता था, एक जोक मतलब एक इंसान था जिसका कार्टूनिस्ट सा फिगर था, वो इंडियन कपड़ों में होता था, उसके पगड़ी लगी होती थी, उसको महाराजा बोलते थे, यू फ्लाई महाराजा, महाराजा वाली फीलिंग, मतलब शाही तरीके से आप उड़ान भरोगे, तो उसका नाम ही महाराजा रखा गया। एआई वर्चुअल एजेंट है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वर्चुअल एजेंट, जब आप चैटबॉट, उनका जो चैटबॉट है ना, उसमें महाराजा से आप बात करोगे, ऐसी फीलिंग आपको आएगी। बढ़िया यार, अच्छा है, ब्रिंगिंग बैक दी गुड गुड ओल्ड डेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26, हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द 2023 सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द 54th IFFI, कहाँ पे जो हुआ है, गोवा में, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ये होता है तुम्हारा माइकल डगलस। प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों और बहनों, माइकल डगलस को ये सेलेक्ट किया गया है इस चीज के लिए। ठीक है, इसका आंसर क्या है बेटा, माइकल डगलस। ठीक है, याद रखना, नीचे मैंने आंसर सबके मेंशन करे हुए, वैसे पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे ज्वाइन करने के बाद मिल जाएगी। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए डाल दूंगा, टेंशन मत लेना। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, 100 क्वेश्चन है, थोड़ा सा पानी वानी साथ में रखो, लंबी क्लास होने वाली है बहुत। ठीक है, अगला आता है, हॉलीवुड स्टार माइकल डगलस ऑनर्ड विद सत्यजीत रे अचीवमेंट अवार्ड 2023 फिफ्थ, इन्हीं से रिलेटेड है, वो किस देश के हैं, ये यूएसए के हैं, ही इज फ्रॉम द यूएसए, वो कौन से कंट्री के हैं, वो आपके यूएसए के हैं। ठीक है, आंसर थ्री, थ्री इसका आंसर है। ठीक है, अब आपको जो है इस तरीके से इनका याद रखना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 28, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज नेम ऑफ इंडिगोज एआई पावर्ड असिस्टेंट चैट असिस्टेंट। इंडिगो ने भी निकाल दिया, जैसे एयर इंडिया ने महाराजा निकाला, इंडिगो ने भी एआई पावर्ड चैट असिस्टेंट निकाल दिया, है ना भाई, सबका चैट असिस्टेंट आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का देख रहे हो, चैट जीपीटी सब यूज करते हो, चैट जीपीटी तो मेरी लाइफ का, तो यार डेली लाइफ का हिस्सा बन गया है, मैं तो मेजरली यूज करता ही हूँ, आई होप तुम लोग भी यूज करो स्मार्टनेस के साथ, तो बहुत काम की चीज है, पढ़ाई के लिए यूज करना पर। ठीक है, ओके, तो एयर इंडिया के बाद इन्होंने यूज किया है, तो 6C जो है ना, ये ना एविएशन कंपनी का कोड है, तो इंडिगो जो है ना उसका बेटा कोड क्या है पता है, इंडिगो का कोड है क्या, 6E। आप एयर इंडिगो की फ्लाइट से अगर कभी आप फ्लाई करोगे तो आप देखोगे उनके कोड ऐसे होते हैं, 6E, 6E759, है ना, फ्लाइट नंबर 6E752, ब्ला 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 ऐसे करके होता है, तो इनका है 6E स्काई, SKAI, ये इनका क्या है, एआई पावर्ड चैट असिस्टेंट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में, ये क्या है इनका, एआई पावर्ड चैट असिस्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 28। अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा मैं बढ़ता हूँ यहाँ पे तुम्हारे लिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आता है हमारा 29, इन नवंबर 2023 विच ऑफ द कंट्रीज क्रिकेट टीम क्वालिफाई फॉर द मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024, नामीबिया, आंसर क्या है, नामीबिया। ठीक है, कौन सा कंट्री, नामीबिया। अब ये बहुत से बच्चों ने तो पहली बार ही नाम सुन रहे होंगे कि सर ये कौन सा देश आ गया, तो इसकी कैपिटल क्या है कमेंट में बताना। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, हु अमंग द फॉलोइंग वन द गोल्ड मेडल इन आर्क रियट नेशनल गेम 2023,
दीपिका कुमारी सीजन आकर, वेरी फेमस आकर, बहुत सारे गेम्स एंड कॉम्पिटिशन इन्होंने जीते हैं, आपको पता होना चाहिए सर इनका नाम, ठीक है? दीपिका कुमारी है, आर्कर है। दीपिका कुमारी क्या है? आर्करी से रिलेटेड है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स में कौन सा प्लेयर किस गेम से एसोसिएटेड है, ये पेपर में क्वेश्चन आता है, एफकेट में तो डेफिनेटली आ रहा है, ठीक है? तुमको पता होना चाहिए, और वनडे एग्जाम्स में तो आएगा ही, ठीक है? अगला क्वेश्चन आता है आपका 31। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ INS संध्याक रिसेंटली डिलीवर्ड टू द इंडियन नेवी बाई GRSE कोलकाता। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, GRSE जो है बेस्ड आउट ऑफ कोलकाता। GRSE क्या है? ये शिप बनाने वाली एक कंपनी है जो कहां पे बेस्ड है, मेनली कोलकाता, ठीक है? ये बेस्ड आउट ऑफ कोलकाता है। इन्होंने एक INS संध्याक करके शिप बनाया है। ये फर्स्ट इंडिजिनस सर्वे वेसल है। क्या है ये? इट इज फर्स्ट इंडिजिनस सर्वे वेसल, जो कि एक माइलस्टोन अचीवमेंट है हमारे लिए शिप बिल्डिंग में, ठीक है? इसको याद रखेंगे ऐसे करके आप। क्वेश्चन नंबर 32, वेयर वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल अनवील्ड? गुड़गांव। मैं गुड़गांव में रहा हूं तो मुझे पता है ये न्यूज, बिकॉज मैं फॉलो करता हूँ रिग्रेसली लोकल एरिया को, तो गुड़गांव में है ये पोर्टेबल हॉस्पिटल का कार्यक्रम, ठीक है? गुड़गांव हरियाणा में है, हरियाणा में सिटी है, IT है वो, हरियाणा बोला जाता है गुड़गांव को, ठीक है? अगला क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 33। बच्चों लगभग आधा काम हम कर चुके हैं सॉफ्ट क्वेश्चन से, तो थोड़ा सा पेशेंस बना के टिके रहना, ठीक है? विच वर्ड हैज बीन नेम्ड एज द वर्ड ऑफ द ईयर बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस? ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी तुमने बचपन से पढ़ी होगी, अब किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर बनाया गया है, ठीक है? उसका नाम है RIZZ, RIZZ। क्या नाम है वर्ड का बेटा? RIZZ, RIZZ। वर्ड का नाम क्या है? RIZZ। अब इसका मतलब तुम लोग ढूंढना, ठीक है? मैं नहीं बताऊंगा। तो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं, मजेदार मजेदार सी चीजें हैं, आपको पता होना चाहिए देश दुनिया में क्या हो रहा है। अगला आता है, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज बीन अवार्डेड द इंटरनेशनल ऑनर फॉर अफॉरेस्टन एफर्ट इन COP28? इसका आंसर है बिहार। ये बिहार के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना? अफॉरेस्टेशन एफर्ट के लिए है ना बिहार को अवार्ड दिया गया है। बिहार, बिहार की राजधानी है पटना, सब जानते ही हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 35, इन विच फोर्ड डिड द PM मोदी रिसेंटली अनवील द स्टेच्यू ऑफ शिवाजी महाराज? कौन से किले में? राजकोट के फोर्ट में उन्होंने शिवाजी महाराज की मूर्ति का हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब ने क्या किया है, अनावरण किया है। कहां पे? राजकोट के फोर्ट में। आपको आंसर इसका पता होना चाहिए, ठीक है? आई होप तुम्हें मजा आ रहा है इसकी क्लास में, ठीक है बच्चों? जो भी बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं और जो भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, वो बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्या मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोर तो नहीं हो रहे हो तुम लोग, ठीक है? तो ये क्वेश्चन जो है बेटा काम के हैं, ये पेपर में सारे पेपरों में क्वेश्चन आने वाले हैं। और अगर तुम्हें तकलीफ है, तुम चाहते हो कि तुम्हें कंटेंट नहीं ढूंढना पड़े, इधर उधर दाएं बाएं नहीं जाना पड़े, तो तुम आराम से आओ डिफेंस एग्जाम मास्टर की प्लेलिस्ट में जाओ, करंट अफेयर की प्लेलिस्ट खोलो, यहाँ से आज आपका सारा तैयारी हो जाएगा। तुम चाहो तो लिख लो या तुम चाहो तो PDF उस लिंक पे जाके डाउनलोड कर लो, सब निःशुल्क अवेलेबल है, ठीक है? अगला क्वेश्चन आता है 36, विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च द मिशन दक्ष फॉर अकेडमिकली वीक स्टूडेंट्स? बिहार ने लॉन्च किया है मिशन दक्ष पढ़ाई में कमजोर बच्चों के लिए। किसके लिए लॉन्च किया है? बिहार ने लॉन्च किया कौन सा मिशन? मिशन दक्ष फॉर वीकर स्टूडेंट, ठीक है? तो ये आपको याद होना चाहिए। अब अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज प्लान टू सेट अप अ फुटवियर मैन्युफैक्चरिंग पार्क एट एन आउटले ऑफ 400 करोड़? किस स्टेट गवर्नमेंट ने फुटवियर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो क्या किया है, क्या किया है फुटवियर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बेटा? लॉन्च किया है। कहां पे लॉन्च किया है? आपका तमिलनाडु के अंदर। कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? तमिलनाडु ने 400 करोड़ के हिसाब से फुटवियर, चप्पल जूते बनाने की मैन्युफैक्चरिंग कंफर्म बनेगी, चप्पल जूते बनाने की मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत कर दी है तमिलनाडु ने, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द टोटल आउटले ऑफ द अप्रूव्ड
मतलब प्रधानमंत्री जनज्योति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज के बारे में अगर मैं बात करूं, मेरा एक सेपरेट वीडियो आएगा एग्जाम से बहुत पहले, नया पुराना वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। गवर्नमेंट की जितनी भी सरकारी स्कीम्स एंड पॉलिसीज आती है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैं ये सब बच्चों को बोलूंगा, मैं ये सब बच्चों को ये चीज मैं यहाँ पे सब बच्चों को मैं ये चीज यहाँ पे बोलूंगा कि आप गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज को प्लीज फॉलो करो। उसमें से क्वेश्चन आता है भाई, सोयों स्कीम्स हैं पर जो रिसेंटली हाइलाइटेड होती है ना न्यूज में, उसके बारे में क्वेश्चन इस पे बनेगा डेफिनेटली। पैसा कितना है भाई, आपको पता होना चाहिए कितना पैसा दिया गया है। 24,104 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं बेटा। कितने पैसे अलॉट किए गए हैं? 24,104। देखो अमाउंट कितना बड़ा है, 24,104, ठीक है, करोड़। मैंने यहां पर लिख के दिखाया था, मेरे को तो नंबर देख के डर लग गया, इतना पैसा अलॉट किया गया। यानी कि सरकार सोचो कितना इतना पैसा एक्चुअली में खर्च करती है लोगों के भला हो सके इस वजह से। अगला क्वेश्चन आता है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर 39 कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द पंजाब नेशनल बैंक। पीएनबी बहुत एक फेमस बैंक है, बहुत पुरानी बैंक मानी जाती है पीएनबी। तो कौन किसको उसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है? बहुत सारे बच्चों को पता होगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, तो मैं तुमको बता देता हूं, जितेश जॉन को बनाया गया है। किसको बनाया गया बेटा? जितेश जॉन हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। जितेश जॉन हैज बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इन क्वेश्चंस को तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं, तुम बस एक बार पढ़ लो, समझ लो, पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द वर्ल्ड रेडियो कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द वर्ल्ड रेडियो कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस 2023, WRC 2023, मोहम्मद अल रामसी। क्या नाम है? मोहम्मद अल रामसी। ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 41। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मिजोरम। लाल थन हावला इनको बनाया गया है मिजोरम का क्या? मुख्यमंत्री, ठीक है, मुख्यमंत्री सीएम। तो अपॉइंटमेंट्स में है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। इंडिया अनाउंस $250 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट टू विच कंट्री फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। हमने $250 मिलियन का लोन दे दिया, किसको, कौन सा देश है? हमने दिया है ये केन्या को। केन्या जो है काफी गरीब देश में आता है, तो हमने उनको दे दिया कि चलो यार ठीक है, तुम्हारा थोड़ा सा भला हो जाएगा, हम वैसे भी दयावान लोग हैं, ले लो, ठीक है। तो हमने केन्या को दिया है $250 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट ताकि वो अपनी एग्रीकल्चर को सुधार सकें। अब खेती बाड़ी अच्छी होगी तो लोग अच्छे से जीवन यापन भी कर पाएंगे ना, इस वजह से। नेम द इंस्टीट्यूशन दैट हैज बीन कंफर्ड द बेस्ट स्पोर्ट्स फैसिलिटी अवार्ड इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ द CII स्पोर्ट्स बिजनेस अवार्ड 2023। कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। इसका बेटा आंसर क्या है? कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। ये यहां पे मैंने आंसर दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 44। जूनियर महमूद पासेज अवे रिसेंटली। ही वॉज अ फेमस, जूनियर महमूद जो थे वो एक बहुत फेमस कॉमेडियन थे, आपको पता होना चाहिए, कॉमेडियन थे वो, ठीक है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि सवेरे सवेरे उठ के अखबार पढ़ा करो, मेरी करंट अफेयर्स की सारी वीडियोस देखा करो, मेरी मैगजीन्स जो मैं बनाता हूँ तुम लोगों को देता हूँ फ्री में, उनको फॉलो करा करो। पेपर पास हो जाएगा भाई, गोली देते रहोगे अपने आप को तो नहीं निकलेगा। जीवन में पढ़ाई करो तो सीरियसली करो, या करो ही मत। और अगर आधे अधूरे मन से कर रहे हो, जिस टाइम पे तुम नहीं पढ़ रहे ना उस टाइम पे ये सोचना कोई और बच्चा पढ़ रहा है वो मेरे से आगे निकल जाएगा। जिस टाइम पे तुम नहीं पढ़ रहे उस टाइम पे तुम सोचना कोई और बच्चा पढ़ रहा है वो तुमसे आगे निकल जाएगा, तुम्हारी सीट ले लेगा वो। गला काट प्रतियोगिता है, देयर इज अ कट थ्रॉट कंपटीशन इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इफ यू आर नॉट स्टडिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू जस्ट रिमेंबर देयर इज समवन एल्स हु विल टेक योर सीट। दोनों भाषा में मैंने बोल दिया, ठीक है। तो सीरियस हो जाओ, पढ़ाई करो मन लगा के, और भाई मैं तो हूँ ही, कंटेंट आपको टॉप नॉच दे ही रहे हम, ठीक है। ये कॉमेडियन थे, इनके बारे में अगर आपको नहीं पता तो ये क्या थे, जूनियर महमूद जो थे वो कॉमेडियन थे बेटा। इस वीडियो को लाइक कर देना यार, ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आगे आते हैं हम कि क्वेश्चन नंबर 45, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द मैक्स लाइफ इंश्योरेंस।
राजीव आनंद को अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ द मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। यहां पे मैं आंसर करना चाहूंगा कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन, राजीव आनंद। मैं तो डेली अखबार पढ़ता हूं, दो दो, तो मुझे तो पता है। तुम नहीं पढ़ रहे तो तुम ये मैगजीन देख लेना बस मेरी, या वीडियो देख लेना, शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ जो तैयारी करते हैं। ठीक है, मेहनत कर रहे हो ढंग से करो, टाइम पास नहीं करना है पढ़ाई के दौरान। अगला क्वेश्चन आता है, हु टॉप द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन ग्लोबली इन 2023। उर्सुला वॉन डर लियन इनको मिला है। अब ये किस कैटेगरी की है, कौन से देश की है, इनका कंट्री क्या है, इनका कंट्री क्या है, ये तुम लोग फिगर आउट करोगे एंड देन मुझे बताओगे इसके कमेंट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 आता है, विच सिटी होस्टेड अ 6th एनएसए लेवल मीटिंग ऑफ द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। ये हुई है पोर्ट लुइस। पोर्ट लुइस होता है मॉरिशस के अंदर। पोर्ट लुइस कहां पे है, मॉरिशस में। ठीक है, ये क्या हुआ है, एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल की यहां पे क्या हुई है बेटा, मीटिंग हुई है। यहां पे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल की मीटिंग हुई है। हमारे यहां के एनएसए कौन है, अजीत डोवाल। ठीक है, ही इज एन एक्स आईपीएस ऑफिसर एंड ही इज ऑल्सो अवार्डेड बीइंग, उनको ऑलरेडी उनको कीर्ति चक्र भी मिला है, जो अमृतसर में गोल्डन टेम्पल वाला जो ऑपरेशन था ना उसके लिए, उनकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग उसके लिए उनको कीर्ति चक्र भी मिला हुआ है। ही इज अ लीजेंड मैन, दिस मैन इज अ लीजेंड। पढ़ना कभी उनके बारे में, यूपीएससी का एग्जाम पास करके ही गए थे वो भी। ठीक है, तो पढ़ाई करनी पड़ती है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू स्टडी इन योर लाइफ। मेहनत ढंग से करनी पड़ती है, तमीज से करनी पड़ती है, टाइम पास मत करो सोशल मीडिया पे जाके, अपनी डीपी अपलोड कर रहे हो ये सब। जब जीवन में सारी चीजें सॉर्टेड हो जाए तो फिर कुछ भी करो, पर जब करियर बनाने की बात है ना तो मजाक मत करो, तो पढ़ाई करो। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, करंट अफेयर्स में देश दुनिया में क्या हो रहा है, जनरल अवेयरनेस का हिस्सा है ये सब। आपको पता होना चाहिए कि पीएम मोदी है, राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, कैबिनेट में कितने लोग हैं, कहाँ का कौन बंदा क्या है, कौन सी अपॉइंटमेंट हो रही है, कौन सी मशीन आ रही है, कौन सा जहाज से क्या क्या हो रहा है देश दुनिया में, आपको पता होनी चाहिए सारी चीजें। अगर आपको नहीं पता तो आपका तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सिलेक्शन उन्हीं का नहीं हो रहा जो बच्चे सीरियसली नहीं तैयारी कर रहे। 5-6 महीने, 7 महीने के लिए, 8 महीने के लिए सीरियस हो जाओ यार, एग्जाम निकल जाता है। ठीक है, तो पोर्ट लुइस मॉरिशस में एक कार्यक्रम हुआ है, आपको पता होना चाहिए, सिटी मॉरिशस के अंदर आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, रेपो रेट, मजेदार क्वेश्चन। मैंने अपने बैच के बच्चों को इकोनॉमिक्स जब पढ़ाई थी तो मैंने उनको ताल ठोक ठोक के बताया कि बेटे पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो भाई पढ़ लो, मैं तो इंजीनियरिंग वाला हूँ। हमारे को जब ये सब्जेक्ट पढ़ा है, हमने जब मैं बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी किया करता था कॉलेज के बाद 2014 से लेकर 2017 तक, तो जॉब में साथ साथ में तैयारी कर रहा था, ये मेरे को बड़ा मजा आता था। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के अंदर आता है रेपो रेट क्या होता है। रेट एट विच द बैंक बोरो फ्रॉम आरबीआई, एक ऐसा रेट होता है जिसपे बैंक आरबीआई से पैसा लेती है। ठीक है ना, जो कि 6.5% पे अनचेंज रहा है। रिवर्स रेपो रेट इससे कम होता है, इसमें कहानी उल्टी होती है। रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई बैंक से पैसा लेता है, पर वो कम पे लेता है ना, क्योंकि आरबीआई बीच में बचाता है ना पैसे, इस वजह से। तो ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक जीके का हिस्सा है। अगर आपको ये नहीं पता ना तो एक बार सीजे में जाके अपनी शकल देखना, बोलना मैं जीवन के साथ क्या कर रहा हूं। ठीक है, तो जोक्स अपार्ट सीरियसली पढ़ाई किया करो यार। 49, हु वाज अवार्डेड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023। वेयर वॉज द ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, जो कि उत्तराखंड में हुई थी, उत्तराखंड में देहरादून में हुई है। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है बताओ। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता होगा, देहरादून। ठीक है, देहरादून में हुई है। कंट्री कैपिटल करेंसी पता होना चाहिए, नींद से उठ के भी कोई पूछे ना कि बेटा ये बता कि यूपी की कैपिटल कहाँ है, उत्तराखंड की कैपिटल कहाँ है, आपको नहीं पता ना तो आप फिर से वही वाला सवाल, अपने आप से सवाल करने लग गए। जब तुम एक क्वेश्चन का आंसर ना करो ना, खुद से सवाल करने चालू कर दो। मैं करके आ रहा हूँ जीवन के साथ। ठीक है, इंस्टाग्राम वही रहेगा, यूट्यूब वही रहेगा, ठीक है, रील्स एंड शॉर्ट्स वही रहेंगे, पर पेपर वापस नहीं आएगा। तुम्हारी उम्र बढ़ चुकी होगी और तुम ओवरऑल की कगार पर पहुंच जाओगे। जिस दिन तुम्हें रियलाइज होगा तब तक लेट हो चुका होगा, तो पढ़ाई करो। क्वेश्चन नंबर 50, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप आधे रास्ते आ चुके हो, 100 क्वेश्चन हैं अभी टोटल। ठीक है, व्हाट इज द थीम ऑफ द टुडे 2023 उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जो देहरादून में हुई थी। ऊपर वाला क्वेश्चन उसी का फॉलो अप क्वेश्चन है, जो इनॉग्रेट की हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने
उसका जो थीम था समिट के थीम्स, डेज एंड थीम्स, कोई समिट हो इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी पीस टू प्रॉस्पेरिटी। मुझे अभी भी याद है, ये मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ी थी, पीस टू प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए इसका थीम था। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ बेटा मूव करता हूं मैं। विच कंट्री होस्टेड द 27th वाइपा वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस, वाइपा वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस। ठीक है, भारत देश, भारत, हमारा प्यारा भारत। ठीक है, आंसर इज इंडिया। ठीक है, वाइपा वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस इंडिया में हुई है। कौन सी? 27वां एडिशन था। क्वेश्चन नंबर 52 आता है बच्चा, विच सिटी होस्टेड 26th मीटिंग ऑफ ईस्टर्न जोनल काउंसिल, किस सिटी ने होस्ट की है? पटना ने होस्ट किया। किस सिटी ने होस्ट किया बेटा? पटना ने। आंसर क्या हो गया तुम्हारा इस क्वेश्चन का? आंसर हो गया आपका पटना, बिहार की राजधानी। ठीक है, मेहनती बच्चे होते हैं बिहार के बहुत। तो हमारे दोस्त होते थे कॉलेज के टाइम पे जो कि बिहार के होते थे, तो यार हमको ना उनसे डर लग जाता था। मैं यूपी से हूँ, मेजरली हम लोग यूपी वाले बच्चे डरते थे कि यार ये लोग बहुत पढ़ते हैं। ये लोग दो दिन पहले इनका पूरा सिलेबस साफ होता था, 3 दिन बाद बंदे से मिल रहे, बोला भाई पूरा खत्म कर दिया, तेरे को पढ़ाता हूँ आ जा। तो मेरे को बहुत ज़्यादा दिल में ना रिस्पेक्ट रहता है मेरे जो बिहारी फ्रेंड्स हैं उनके लिए, कि यार बड़े मेहनती होते हैं भाई सच में। जब मैं सीडीएस की भी तैयारी कर रहा था, एक लड़का था मेरे साथ सचिन नाम का, वो पटना का था, तो वो हम लोग एसएसबी की कोचिंग में थे, एंड यार वो हर समय पढ़ता ही रहता था। वो एसएसबी के लिए भी ओआईआर की टेस्ट के लिए ना 15-15 ना सेट लगा देता था दिन में। तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द बिहारी पीपल आउट देयर, ऑल द बिहारी फ्रेंड्स ऑफ माइन, यार बड़े मेहनती होते हो सच में यार, तुमको देख के बड़ा मेहनत करने का मन करता है। ठीक है, तो जो भी बच्चे नहीं पढ़ रहे ना वो याद रखना, तुमसे कोई ना पटना का बच्चा आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो इंस्पिरेशन आसपास ही होता है। तुम अपनी इंस्पिरेशन ना कहीं कोई वीडियो देख के नहीं ले सकते, तुम्हारे आसपास के, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे घर में कोई होगा, उन्हीं से इंस्पिरेशन लो और आगे बढ़ो लाइफ में। ठीक है बेटा, तो ईस्टर्न जोनल काउंसिल कहां पे हुई? हमारी पटना में हुई। इसका आंसर मैंने आपको बता दिया। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांस्ड एआई मॉडल हैज बीन लॉन्च्ड बाय गूगल, स्क्वेयर एंड कंपनी अल्फाबेट। ओ भाई मजेदार क्वेश्चन, मैं चैट जीपीटी यूज कर रहा था और मेरे लिंक्डइन पे अगर आप जाओगे, अच्छा भाई तभी जो बच्चे प्रोफेशनल हैं जो जॉब करते हैं वो बच्चे मुझे लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे पे मेरा लिंक्डइन जो है दैट इज माय नेम, भाई का नाम तुमको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो जस्ट शिवम सारस्वत सर्च करना, एक बड़ी सुंदर सी फोटो लगाई होगी मेरी कोट पे। अभी तो दाढ़ी मेरी बड़ी हुई है, उसमें दाढ़ी नहीं है। ठीक है, या आप नाम सर्च करो शिवम सारस्वत, आपको मैं दिख जाऊंगा। उसमें डिफेंस एक्सपर्ट करके पहला टैग लाइन है, यू जस्ट सर्च मी देयर, एंड देन मैंने इस पर एक पूरा आर्टिकल लिखा है कि जेमिनी क्या है, जेमिनी एआई जैसे चैट जीपीटी है। ठीक है, जैसे है ना चैट जीपीटी है तुम्हारा, चैट जीपीटी भी एआई क्या है, चैट जीपीटी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो है, जीपीटी है। ठीक है, अब जीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है तुमको ये भी नहीं पता होगा, तो ये पढ़ाई करने पे आता है, तो पढ़ाई करो। ठीक है, तो चैट जीपीटी जैसा ही है, ये गूगल ने बनाया है। गूगल की पेरेंट कंपनी क्या है? अल्फाबेट। अब तुम बोलो सर गूगल तो खुद कंपनी नहीं, गूगल की पेरेंट कंपनी का नाम है अल्फाबेट, ये भी एक अलग क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका नाम है जेमिनी एआई, और मैंने इस पे बकायदा वीडियो डाली थी अपने लिंक्डइन पे, मुझे आज भी जैसे ही लॉन्च हुआ था। मैं बहुत ज्यादा पैशनेट हूँ एआई को लेके, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिकॉज मैं थोड़ा सा मैं टेकी हूँ यार, आई एम फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, मैं इंजीनियर हूँ, तो मुझे बड़ा मजा आता है इन सबको करने में। तो यहाँ पे आप सर्च करोगे तो मैंने इस पे पूरी बकायदा वीडियो डाली, आप उसको जाके भी फॉलो कर सकते हो, देख सकते हो कि है क्या चीज। ठीक है, तो आंसर क्या था इसका? जेमिनी बेटा, आंसर क्या था? जेमिनी। ठीक है, यहाँ पे हमने कर लिया कवर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की, दैट इज क्वेश्चन नंबर 54, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ द ईयर बाय टाइम मैगजीन, सैम ऑल्टमैन। अभी मैं नाम ले रहा था चैट जीपीटी का। ठीक है, तो सीईओ ऑफ द ईयर बाय टाइम मैगजीन, अभी ये थोड़े दिन पहले ना क्या हुआ था, कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी, कंट्रोवर्सी ये हो गई थी कि सैम ऑल्टमैन को चैट जीपीटी से बोर्ड से हटा दिया। सैम ऑल्टमैन को क्या किया पता है? चैट जीपीटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से हटा, बोर्ड से हटा दिया गया। वो बंदा था जिसने कंपनी फाउंड की थी, फिर इन्वेस्टर्स आ गए, कंपनी बहुत बड़ी हो गई है ना, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में बन गई, तो उनको बोर्ड से हटा गया। सो सैम ऑल्टमैन वॉज सीईओ ऑफ चैट जीपीटी। अभी वो इंडिया में भी आया हुआ था बंदा कुछ दिन पहले ना, सैम ऑल्टमैन वॉज इन दिल्ली, इंडिया में भी थे वो, तो आपको ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 55, आसियान इंडिया ग्रास रूट्स इनोवेशन फोरम, मैंने अभी दिसंबर वाली जब पीडीएफ कराई थी लास्ट लेक्चर में,
तो मैंने उसमें बच्चों को बताया था कि यार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताना पता होना चाहिए। आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा ये आपको पता होना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आसियान का हेडक्वार्टर कहां पे है? ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, मैं एक बार वॉइस चेक कर रहा हूं। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका आसियान का होता है फुल फॉर्म। इसका हेडक्वार्टर कहां है? जकार्ता। ठीक है, इंडोनेशिया में। ओके, अब इसकी फुल फॉर्म में यहां पे लिख दे रहा हूं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एसोसिएशन ऑफ, तुम लोगों को दिख रहा होगा यहां से, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा राइटिंग स्क्रिबल्स ही हो गई है बट कोई नहीं, तुमको समझ में। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन होता है। ठीक है, हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है। अब इसका आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है मलेशिया। ठीक है ना, आसियान का जो ग्रासरूट इनोवेशन फोरम जो हुआ है वो कहां पे हुआ है? मलेशिया। मलेशिया क्या राजधानी क्या है? अब तुम लोग ये आंसर मुझे कमेंट में बताना कि मलेशिया की आपको पता ही नहीं होगी, बहुतों को तो ये भी नहीं पता होगा। क्वेश्चन नंबर 56, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ इंडिया डेब्ट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड? नरेम सेसाद्री, इनको चुना गया है। आप बोलोगे कि सर आपको याद कैसे है, मैं तो क्वेश्चन बना रहा था तो उसके पहले भी मुझे याद थे, तो नरेम सेसाद्री को ये चुना गया है भाई साहब। ठीक है, मैंने डबल डबल यहां पे आंसर्स दिए हुए हैं, IDRCL आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चंस बहुत बेसिक हैं, इंडेक्स अपॉइंटमेंट्स पे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, और ये पर्टिकुलरली एंटिटी जो है ना इसके बारे में भी पढ़ना तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज इंट्रोड्यूस्ड यूथ सेंट्रिक फर्स्ट स्वाइप? क्या क्रेडिट कार्ड इन पार्टनरशिप विद मास्टर कार्ड? IDFC फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया इन लोगों ने, यूथ सेंट्रिक। क्रेडिट कार्ड के चक्कर में मत फंसना, डेबिट कार्ड यूज करो, पैसा कमाओ, इन्वेस्ट करो, सेव करो, उस पैसे को से जो आपको रिटर्न्स आए उसको खर्च करो। ठीक है, तो जीके का क्वेश्चन है, आपको बस एक बार नजर मार लेना इस पे। विच इंडियन ओरिजिन नॉवलिस्ट वाज ऑनर्ड विद सिंगापुर हाईएस्ट आर्ट ऑनर? कौन सा इंडियन ओरिजिन नॉवलिस्ट था उनको सिंगापुर का हाईएस्ट आर्ट ऑनर दिया गया है? मीरा चंद को दिया गया बेटा। किसको दिया गया है? एक सेकेंड, मीरा चंद किसको दिया गया है? मीरा चंद को। ठीक है, आपको याद होना चाहिए, सिंगापुर का हाईएस्ट आर्ट ऑनर है। ठीक है, बहुत मजेदार सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 59, गरबा डांस इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को इंटेलिजिबल कल्चरल हेरिटेज, इट बिलोंग्स टू गरबा। गरबा गुजरात में होता है गरबा। ठीक है, तो आपको पता है, सबको मेजरली सब बच्चों को पता है, जिसको नहीं पता अब पता लग गया। ठीक है, गुजरात में होता है बेटा गरबा, तो ये क्वेश्चन का आंसर है गुजरात। अब अगली कहानी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल माउंटेन डे 2023? रिस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम्स इज द आंसर। रिस्टोरिंग माउंटेन इको सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए। यहां पे भी मैंने इसका आंसर जो है दिया हुआ है तुम लोगों के लिए। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, लगभग 30 क्वेश्चन, 35-40 के आसपास बचे हैं। हु हैज बीन कंफर्ड विद अ लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द पावर ऑफ वन अवार्ड 2023? बान की मून। बान की मून पहले यूएन के सेक्रेटरी जनरल थे, पहले यूएन यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हुआ करते थे, तो बान की मून को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, ये आपको आंसर याद होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोलैंड? डोनाल्ड टस्क को न्यू पीएम बनाया गया है। कहां का? पोलैंड का। क्वेश्चन बहुत आसान सा है पर याद होना चाहिए अपॉइंटमेंट आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63, दिसंबर 2023 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया कि 58 एयरपोर्ट्स
कितने एयरपोर्ट, 58 एयरपोर्ट इन द कंट्री हैव बीन कवर्ड अंडर द कृषि उड़ान स्कीम। द कृषि उड़ान स्कीम जो थी वो लॉन्च करी गई थी कब, सन 2020 में कृषि उड़ान स्कीम भैया लॉन्च हुई थी। कब लॉन्च हुई थी, 2020, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, दिसंबर 2023 में लाकाडोंग टर्मरिक हैज बीन अवार्डेड द जीआई टैग, ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग। दिस प्रोडक्ट रिसीव्ड द जीआई टैग फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। मेघालय में जो लाकाडोंग टर्मरिक है ना, उसको जीआई टैग दे दिया है, ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग। कोई चीज एक पर्टिकुलर जगह पे मिलती है ना, उसकी जीआई टैगिंग कर दी जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 आपका आता है बच्चों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैव बीन हैंग्स हैज इंट्रोड्यूस्ड अ यूनिक सेविंग अकाउंट कॉल्ड द नारी शक्ति। कौन सा अकाउंट, नारी शक्ति, स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर वुमेन एज 18 एंड अबव हू हैव एन इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम। ऐसी महिला जो 18 साल से ऊपर की है, इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम, उनके लिए बैंक ऑफ इंडिया की ये स्कीम बेटा आई है। बैंक बड़ी प्यारी सी स्कीम है, बढ़िया यार, मजेदार चीज है, तो लड़कियों के लिए, जिन लड़कियों को समझ में आ रहा है देख लेना भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 66, विच आर द फॉलोइंग पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। पीएसयू पे मेरी डेडिकेटेड वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई, बहुत सारी वीडियोस बना रहा हूँ, तो वो सब पीएसयू वाले सेक्शन में मैं बात करूंगा तुम लोगों से। ऑनर्ड विद द क्या है, ब्रैंडन हॉल ग्रुप्स एक्सीलेंस इन टेक्नोलॉजी अवार्ड। क्या हो गया बेटा अवार्ड का नाम, ब्रैंडन हॉल ग्रुप्स एक्सीलेंस इन, एक सेकेंड थोड़ा सा माइक सही कर ले हम अपना, ब्रैंडन हॉल ग्रुप एक्सीलेंस इन टेक्नोलॉजी अवार्ड 2023 नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनटीपीसी लिमिटेड को ये प्राइज मिला है। एनटीपीसी लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, ठीक है। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 67 आता है, एक रिनोन डॉक्टर एंड एक्टिविस्ट गाओ याओजी पास्ड अवे एट द एज ऑफ 95 ईयर्स, पास्ड अवे एट द एज ऑफ कितना, 95 ईयर्स बेटा, ठीक है। अब ये किस से बिलोंग करती है, इनका नाम ही चाइनीज है, तो आपको चाइना समझ में आ गया होगा देखते ही, आपको देखते ही क्या समझ में आ गया होगा इनका नाम कैसा है, हर नेम इज चाइनीज, ठीक है। तो आपको इनका नाम देखते ही समझ में आ गया होगा कि चाइना से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, विच सिटी हैज होस्टेड द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI समिट। नई दिल्ली में हुई थी ये समिट, ठीक है। मैंने तुम्हें बताया था ना, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ पे आया था कौन, सैम ऑल्टमैन, DU के कॉलेज में आया था सैम ऑल्टमैन, ठीक है। मुझे भी इनविटेशन था बच्चों की तरफ से, बट मैं किसी कारण से जा नहीं पाया, बिकॉज थोड़ा सा रूटीन बिजी था उस दौरान, ठीक है। जो ChatGPT का फाउंडर है, दैट आई वॉज देयर। तो 69, इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी इज बींग ऑब्जर्व अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन, इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी कब मनाया जाता है बेटा, कब ऑब्जर्व किया जाता है, ये दिसंबर 12 को, कौन से दिन मनाया जाता है, 12 दिसंबर, कब मनाया जाता है आपका, 12 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर 4 इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 के बारे में अगर मैं बात करता हूं, अगला क्वेश्चन आता है, एज पर द UNODC रिलीज साउथ ईस्ट एशिया ओपियम सर्वे 2023, कौन सा नेबरिंग कंट्री इंडिया का जो सबसे बड़ा ओपियम प्रोड्यूसर है, म्यांमार, म्यांमार में सबसे ज्यादा ओपियम का प्रोडक्शन होता है इंडिया के पड़ोसी देशों के मुकाबले, अगर मैं बात करूं ना इंडिया के पड़ोसियों में सबसे ज्यादा म्यांमार ओपियम बनाता है, ठीक है, प्रोड्यूस करता है मतलब। क्वेश्चन नंबर 71, रिसेंटली साहित्य एकेडमी अवार्ड अनाउंस किए गए थे 2023 का, राइटर नीलम शरण गौर, उनका नोवेल जो है रिक्वेम इन रागा जानकी, वो किस लैंग्वेज में उनको मिला है, उनका जो ये नॉवल था ना ये अंग्रेजी में था, इट वॉज इन इंग्लिश, तो इसका जो आंसर है दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 हमारा खत्म, 72 की तरफ मूव करते हैं, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनस आयर्स, पता होना चाहिए, जेवियर मिली, क्या आंसर है इसका, जेवियर मिली इनको चुना गया है, ठीक है, आपको यह पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 73, हम आगे एंड की तरफ जा रहे हैं, एस वेंकटी रमनन रिसेंटली पास्ड अवे, वो एसोसिएटेड थे किस चीज से, वो क्या थे, गवर्नर थे पुराने, भूतपूर्व
गवर्नर थे, ठीक है बेटा। और इस सेशन को ना लाइक कर देना यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू डिफेंस एग्जाम मास्टर। तुम्हारा भाई बड़ी मेहनत करता है कंटेंट बनाने के लिए, ताकि तुम्हारे पेपर में ना एक बार में कट टू कट हो जाए खेल, ठीक है। तो वो पुराने एक गवर्नर थे, पता होना चाहिए आपको इनका आंसर है गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 74, व्हाट इज द हॉलेस्ट हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव बाय इंडियाज इकोनॉमी। हमारे पास है ना, एज मेंशन इन द स्टेटमेंट, हम लोग 4 ट्रिलियन डॉलर के मार्क पे पहुंच चुके हैं इकोनॉमी में। 4 ट्रिलियन डॉलर, समझ रहे हो भाई साहब, नेक्स्ट लेवल हो गया गेम। 4 ट्रिलियन डॉलर का मार्क हमने हिट किया है, बहुत बड़ी बात है। इसी बात पे हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, जय हो लिख दें, नहीं, जय भारत माता, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 4 ट्रिलियन डॉलर के मार्क पे पहुंचे हैं। किस मार्क पे पहुंचे बेटा, 4 ट्रिलियन डॉलर पे। इसी बात पे एक बार जय हिंद हो जाए। ठीक है, तो मोमेंटम बना के रखो, मोटिवेशन बना के रखो, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, देश आगे बढ़ रहा है, तुम भी साथ में आगे ही बढ़ोगे अगर अपनी मेहनत को कम नहीं करोगे। तो देश को मेहनती लोगों की जरूरत है, मेहनत से मत डरो, मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो लाइफ में, ठीक है बच्चों। तो आगे चलता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 75। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स इन इंडिया सेट टू एक्सटेंड राइस एक्सपोर्ट बैंस। कौन सी ईयर जो है वहां से राइस एक्सपोर्ट बैन 2024 से, कार्यक्रम आपका 2024 से चालू होगा, ठीक है। राइस एक्सपोर्ट बैन जो है ना आपका, वो 2024, कब से, 2024 यहां से आपका होगा चालू, वहां से एक्सटेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे ऑब्जर्व ऑन द नवंबर 20। 20 नवंबर को वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे होता है, उसकी थीम है फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। क्या है इसकी थीम बेटा, फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। हर बच्चे को हर राइट मिले, अच्छा खाना मिले, अच्छी शिक्षा मिले, घर मिले, है ना, सारे रिसोर्सेज मिले जो भी जरूरी हैं उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, सब कुछ मिलना चाहिए। ये वर्ल्ड चाइल्ड डे की थीम है, ठीक है, जो कि मनाया जाता है 20 नवंबर को, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, डेज एंड देयर थीम्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 76, 77, वर्ल्ड डे ऑफ रिमेंबरेंस फॉर रोड ट्रैफिक ऑब्जर्व ऑन 20 नवंबर को, ये भी मनाया जाता है। अगेन दिस इज ऑल्सो बींग कमेमोरेटेड ऑन 20, ये कब मनाया जाता है आपका, ये भी आपका 20 नवंबर को बेटा मनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द सीईओ ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। अशोक वसनानी, ठीक है, अशोक वसवानी को बनाया गया है यहाँ पे, किसका, सीईओ ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक, इनको बनाया गया है सीईओ एंड एमडी। विजय शेखर शर्मा का यहाँ पे ऑप्शन में देख दिया गया है, सुंदर पिचई गूगल का सीईओ है, ठीक है। विजय शेखर शर्मा पेटीएम के सीईओ हैं, ये आपको पता होना चाहिए कौन किसका हेड है, ठीक है। ये बेसिक जीके की चीजें हैं, आपको यू शुड नो। क्वेश्चन नंबर 79, नवंबर 2023 में व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया ऑफ इंडिया इन टोटल वैल्यूएशन ऑफ 195.75 बिलियन डॉलर। तीसरी रैंक है इंडिया की, कितनी रैंक है इंडिया की, तीसरी, थर्ड रैंक है बेटा, कितनी रैंक है इंडिया की बच्चों, हमारी इंडिया की रैंक जो है वो है, आई फाउंड दिस ऑन द वेब फॉर टारन एंड निवेदा, चेक इट आउट, कितनी रैंक है इंडिया की, थर्ड, ठीक है। रैंक क्या है हमारी, एक सेकेंड क्लीन करते हैं इसको, थर्ड रैंक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, 20 क्वेश्चन और बचे हैं आपके, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो, इस क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगी धीरे धीरे कहानी। नवंबर 2023 में कौन सा कंट्री था जिसने टॉप स्पॉट सिक्योर किया एशिया पैसिफिक रीजन में, रिवील द फंड मैनेजर सर्वे कंडक्टेड बाय द बैंक ऑफ अमेरिका। ये जापान था भैया, कौन सा देश था, जापान। जापान की करेंसी क्या है, तुम लोग पता करो, येन। कैपिटल
टोक्यो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट होस्टेड द फर्स्ट ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023, 21 से 22 नवंबर 2023 तक। ये कब हुई थी, कब से कब तक हुई थी आपकी, कब से कब तक हुई है बच्चों? 21 से 22 नवंबर 2023 ये कहां पे हुई है फिशरीज वाली कॉन्फ्रेंस? गुजरात के अंदर। कहां पे हुई है बेटा? गुजरात के अंदर, ठीक है, आपको पता होना चाहिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 अब खत्म होने वाला है, ज्यादा लंबा क्लास नहीं खींचेंगे हम, ज्यादा लंबा नहीं जाने वाला, जल्दी से जल्दी इसको निपटाते हैं। डॉक्टर एस एस बद्रीनाथ हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज अ फेमस फाउंडर ऑफ, किसके फाउंडर थे वो, किसके फाउंडर थे? शंकरा नेत्रालय, शंकरा नेत्रालय के फाउंडर थे, ठीक है। यहां पर भी मैंने इसका आंसर दो बार मेंशन किया हुआ है नीचे, ताकि आपको इस पीडीएफ को पढ़ते वक्त भी कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83, वर्ल्ड टेलीविजन डे कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड टेलीविजन डे। टेलीविजन तो सबको पसंद है, आधे से ज्यादा बच्चे जो मुझे देख रहे हैं, जो उस वीडियो को देखेंगे, सबको टीवी पसंद है यार। अभी भी हम लोग एंड्रॉइड टीवी यूज करते हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं, क्रोमकास्ट यूज करके गूगल कास्ट कर देते हैं, तो भी टीवी चला ही रहे हम लोग। 21 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड टेलीविजन डे। टेलीविजन का फाउंडर पता है, इन्वेंटर कौन था? जेल बेर्ड, ठीक है। किसने फाउंड किया था पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म्स विल बी ओपनिंग फिल्म एट द 54th इंटरनेशनल इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल IFFI 2023? कैचिंग डस्ट, ठीक ना, कैचिंग डस्ट कौन सी फिल्म है, उसका नाम क्या है? कैचिंग डस्ट, ये इसका क्या है आंसर है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 85, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू एमडी ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर 2 ईयर्स? विनय एम टोंसे, विनय एम टोंसे को बनाया गया है, किसका? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया एमडी। किसको बनाया गया है? विनय एम टोंसे, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86, किट्टल फॉन्ट जो कि न्यूज में था वो किस लैंग्वेज से रिलेटेड है? कन्नड़। किस लैंग्वेज का है? कन्नड़ लैंग्वेज का भैया, कन्नड़, ठीक है, कन्नड़ा का। 87, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आज एडजस्ट एज द बेस्ट परफॉर्मर इन द इनलैंड फिशरीज इन द कंट्री बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? इनलैंड फिशरीज में यानी कि समुद्र के किनारे वाले राज्यों में तो फिशरीज का बोलबाला है ही, पर इनलैंड समुंदर ना होते वो भी नदियों वदियों में उगाली मछली, तो वो कौन सा राज्य है उसमें? यूपी ने टॉप करा है भाई, ठीक है ना, परफॉर्मर है, बेस्ट परफॉर्मर है उत्तर प्रदेश, ठीक है। 88, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द IFFI 2024 स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन टू भारतीय सिनेमा? माधुरी दीक्षित को यह अवार्ड मिला है। माधुरी दीक्षित तुमको पता है ना, सबने वाली मूवी देखी है कौन सी, मिस्टर इंडिया थी माधुरी दीक्षित, मुझे तो दिखी थी, हाँ थी उसमें, ठीक है। तो माधुरी दीक्षित आप सब जानते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 89, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड अ फिश नेम्ड घोल एज द स्टेट फिश? गुजरात ने कराया काम, गुजरात ने क्या किया है, घोल करके मछली होती है उसको स्टेट फिश का दर्जा दे दिया है गुजरात ने, ठीक है। क्या है वो स्टेट का नाम? गुजरात, ठीक है, उस मछली को स्टेट फिश बना दिया है बेटा। अब आता है पाणिनी कोड इज अ 2500 साल पुराना एक एल्गोरिदम है जिसमें कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है, उसमें लैंग्वेज जो यूज की जाती है आपकी संस्कृत लैंग्वेज यूज की जाती है। संस्कृत हमने बचपन में स्कूल में पढ़ी थी, रामा 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 यूरोप पढ़ते थे हम, संस्कृत लैंग्वेज है वो, कौन सी लैंग्वेज है बेटा? संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 90 था ये, 91, 10 आखिरी 10 क्वेश्चन, यहां तक तुम लोगों ने पेशेंस बना के रखा उसके लिए बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। जो बच्चे इसको पूरा देख लेंगे ना उनके पेपर में सवाल गलत नहीं होने वाले, उनके पूरे क्वेश्चन सही होंगे। इसके अलावा मैंने दिसंबर की भी वीडियो चैनल पे अपलोड की है, दिसंबर 2023 की, वो भी देख लेना, 2023 के तो पूरे कंपाइल कर दिए। इसके अलावा डिफेंस डिफेंस की MCQs आएंगी 50, वो अलग आएंगी, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज की अलग वीडियो आएगी, वो भी देखनी है। सारी वीडियोज अगर तुम देख लोगे तो तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएगा और इसकी PDF आपको फ्रीली मिल जाएगी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी होस्टेड द इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट 2023? कहां पे हुई थी भाई? नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली,
ठीक है, इट वॉज हैपन्ड इन न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन आता है नंबर टू, द मार्टिरडम डे ऑफ विच गुरु वॉज ऑब्जर्व द मंथ ऑफ नवंबर शहीद दिवस। गुरु तेग बहादुर, उनका गला कटवा दिया गया था किसी मुगल बादशाह के द्वारा, कौन था वो आप मुझे कमेंट करके बताना। गुरु तेग बहादुर, उनके ठीक है ना बलिदान दिवस को क्या बोला जाता है, शहीद दिवस। क्वेश्चन नंबर 93, हु हैज बीन अवार्डेड द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द स्टार एशियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल SAIFF, ईश्वक सिंह। क्या नाम है बेटा उनका, ईश्वक, उनका नाम क्या है, ईश्वक सिंह, ठीक है, ईश्वक सिंह। हु अमंग द फॉलोइंग F1 ड्राइवर वॉन लॉस वेगास ग्रांड प्रिक्स 2023। मैक्स वर्स्टैपेन, मैक्स वर्स्टैपेन कौन सी टीम का प्लेयर है, मैक्स वर्स्टैपेन कौन सी टीम का प्लेयर है आप मुझे बताओगे। लुईस हैमिल्टन, पहले मर्सिडीज में था अभी किसमें है, ठीक है, मैक्स वर्स्टैपेन इज द आंसर। ठीक है, इनकी आप टीम्स के बारे में भी एक बार इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो, उसकी भी डेडिकेटेड वीडियो चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है, अब देखो, फॉर विच मूवी ईश्वक सिंह वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर द स्टार्स एशियन इंटरनेशनल। अभी ऊपर वाला क्वेश्चन है, बर्लिन, कौन सी पिक्चर के लिए मिला इनको, बर्लिन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, फिफ्थ लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट इंडीज प्लेयर हैज एंडेड अ 6-year बैन फ्रॉम ऑल द फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट बाय ICC ने इनके ऊपर बैन लगा दिया है सारी फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। और वेस्ट इंडीज का वो कौन सा प्लेयर, मार्लोन सैमुअल्स, कौन सा प्लेयर है बेटा, मार्लोन सैमुअल्स, ऑप्शन नंबर टू। आगे चलते हैं, 97, फातिमा बीवी जो कि पास हो गई रिसेंटली, उनकी देहांत हो गया उनका, वो कौन से फील्ड से बिलोंग करती थी। फातिमा बीवी हमारे यहाँ पे जज थी, बहुत फेमस एक वो थी जज, वो क्या थी, वो ना जज थी, पता है तुमको, ये शायद बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, वो जज थी, ठीक है, मीरा साहिब फातिमा बीवी उनका नाम था, वो जस्टिस से रिलेटेड, शी वाज अ जज। 98, विच कंट्री ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन एडेड टू द यूके सेफ स्टेट लिस्ट अलॉन्ग विद इंडिया। जॉर्जिया को यूके की सेफ स्टेट लिस्ट में डाल दिया गया है, ठीक है, आंसर क्या है इसका, जॉर्जिया, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर ये 98 था। सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इयर्स वाज द यूनेस्को'स क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क UCCN एस्टैब्लिश्ड। 2004 में बनाया गया था, है ना, 2004 इज द आंसर, 2004। ठीक है, आखिरी सवाल आज का, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द 2023 का 100 MCQ का क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू क्वाड दैट इंडिया इज पार्ट ऑफ अलोंग विद द यूएस यूएई इजराइल, यूएस यूएई इजराइल एंड, है ना, यूएस यूएई एंड इजराइल और इंडिया, चार कंट्रीज का क्वाड बनाया गया है। इसका नाम क्या है, I2U2। देखो आई से क्या है, इंडिया, कैसे आई, आई कितने हैं, दो हैं, ठीक है, एक सेकेंड रुको, इस वाले को ऊपर करता हूं थोड़ा सा। I2U2 नाम कैसे बढ़ा, अब ये देखना I2U2 नाम कैसे बढ़ा। देखो इसमें आई कितना है, दो, इंडिया इजराइल, ठीक है, यू कितना है, दो, यूएसए UAE, तो हो गया क्या, दो आई और दो यू, तो I2U2 शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये इसका आंसर क्या है बेटा, I2U2। ओके, ये इसका था आखिरी 100वां MCQ 2023 के करंट अफेयर्स का। अब तुम बताओ, इतने सारे क्वेश्चन तुम याद करोगे और तुम्हें पेपर में नहीं फंसेगा, बिल्कुल फंसेगा। तो जितने भी बच्चे वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, मैं चाहूंगा ये वीडियो थोड़ी सी, मेरी जो वीडियो है ये लगभग 1.25 घंटे की वीडियो है, जिसमें मैंने 100 questions आपको कराए हैं। इसके अलावा मेरी एक दिसंबर की भी MCQ की वीडियो है, जिसमें 50 questions है, इसको तुम 2x पे देखोगे ना, तो तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे और पेपर में आपके आएंगे ही आएंगे, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी वीडियोज आने वाली हैं, आप चैनल के लाइव स्ट्रीम वाले सेक्शन में जा सकते हो, रिकॉर्डेड वाले कॉन्टेंट में आप जाके देखोगे, आपको बहुत सारे आपके काम का कॉन्टेंट मिलेगा,
लाइक कर लेना डिफेंस एग्जाम मास्टर को, शेयर कर देना दोस्तों के साथ अपने, एंड कमेंट करके मुझे तुम लोग ये जरूर बताना कि तुम्हें और अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। मेरे पास सारा कंटेंट इज अवेलेबल, अपडेटेड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, और अपने एक्सपीरियंस से ही मैं बनाता हूँ सारी चीज़ें, ताकि तुम्हें कट टू कट कॉन्टेंट मिले, दाएँ बाएँ 10 जगह जाके ना पढ़ना पड़े। ठीक है, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना और सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा लेना चैनल के साथ, ताकि सारी वीडियोज़ की अपडेट्स तुम्हें मिल जाए। जैसे मैं वीडियो डालूंगा, आपको हर दिन वीडियो आ रही है भाई, कुछ ना कुछ शॉर्ट तो डेली शॉर्ट आ रहा है, हर दिन एक दो वीडियो आ रही हैं, सारी वीडियोस आपने देखनी है ताकि तुम्हारे एग्जाम्स निकले। ठीक है बच्चों, तो ये था कुछ हमारा आज का कार्यक्रम, एंड थोड़ा सा यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि मेरे जो डिफेंस एग्जाम्स के बैचेज हैं उनके बारे में क्या क्या है जानकारी। तो अपने बैचेज चलते हैं यार, और ये अपना एक त्रिशक्ति बैच है। ठीक है, ये अपना क्या है, त्रिशक्ति बैच है, जो एनडीए वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे एनडीए के आखिरी अटैम्प्ट में त्रिशक्ति बैच ज्वाइन कर सकते, सीडीएस तक वो सपोर्ट मेरे से लेते रहेंगे। एंड अर्जुना बैच आता है अपना सीडीएस आईएमए वाले बच्चों के लिए, 2 घंटे लाइव क्लास होती है, डेली रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, नोट्स मिलेंगे मेरे द्वारा बनाए हुए, लाइव क्लास तो होती है 24x7। और एक ट्राइडेंट सीडीएस बैच है, ये कॉम्बो बैच है जिसमें एफकेट और आईएमए इंक्लूडेड रहता है। गर्ल्स के लिए भी इसी में कॉम्बो हो जाता है। ठीक है, अलग अलग बैचेस का प्राइस एंड पेड बैचेस हैं, तो अलग अलग फीस है। नंबर आपका यही है मेरा, इस नंबर पर आप मुझे डीएम करके पूछ सकते हो कि कौन सा बैच आपने लेना है, एंड देन आप आके मेरे से क्लास में पढ़ सकते हो। ठीक है, तो यही था बच्चों, और आई होप टू सी यू इन माई क्लास और इन माई यूट्यूब लेक्चर। और जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, हमने ये पूरी की पूरी कहानी आज जो है ख़त्म कर दी। और मेरी तरफ से सब बच्चों को क्या, मेरी तरफ से आप सभी को क्या, आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर भाई, आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। मैंने यहाँ पे हर पेज पे डाला है, ये पीडीएफ तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसको डाउनलोड कर लेना और मुझसे कनेक्ट करना अगर कोई तुमको प्रॉब्लम भी आती है तो। ये मैं हूँ शिवम सारस्वत, आपका डिफेंस एग्जाम मास्टर, एंड हम जुड़े हुए थे आपके साथ अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डिफेंस एग्जाम मास्टर। ठीक है, अगले किसी सेशन में मिलूंगा आप सभी से। आई होप तुमको सबको मजा आया इस पर्टिकुलर सेशन में, बड़ा मजेदार सेशन था यार, और बहुत इसको पढ़ाने का मेरा मन था, काफी समय से मैं कंटेंट बना रहा था, और मैंने इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 100 वो सारे डाले हैं, आपको पढ़ने हैं ये सारी चीजें, और आपके पेपर में इनमें से डेफिनेटली क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, कमेंट करके मुझे बताना क्या अच्छा लगा और क्या चीजें आपको चाहिए, ताकि मैं वीडियो बना के आप तक कंटेंट पहुंचा सकूं। ठीक है, जय हिंद और हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली। पढ़ाई करते रहो, मेहनत करो, जो बच्चा मेहनत करता है वो जीवन में जरूर आगे जाता है। मेरी आप सभी को शुभकामनाएं, और सभी को नए साल की बहुत बहुत भाई शुभकामनाएं, और मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद, आपके सारे सपने सचो। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, मिलेंगे अगली बार।